करीमनगर में सरकार के मुख्य अस्पताल में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही थी और बेहतर उपचार के लिए लोगों को वारंगल और अन्य दूर स्थानों तक जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। वित्त मंत्री इटेला राजेंद्र ने कहा कि उन्होंने कल करीमनगर में सरकारी मुख्य अस्पताल में सरकार द्वारा पेश किए गए सरकारी अस्पतालों में रोजाना बदलने वाला एक नया कार्यक्रम चादरें बदलना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर श्री लक्ष्मी रेड्डी ने सरकारी अस्पताल के परिसर में 17 करोड़ रुपए की लागत से नए निर्मित मां और बाल स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही गुमुलापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चमनपल्ली और कमलापुर मंडल 16 मई को राजेंद्र ने अधिकारियों को केंद्रीय ऑक्सीजन प्रणाली की स्थापना के साथ मदर और बाल स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में चिकित्सकीय उपकरणों के साथ जरूरी सभी आवश्यक व्यवस्था करने का आदेश दिया और आवश्यक चिकित्सा कर्मचारी की नियुक्ति की। मंत्री ने सरकार के मुख्य अस्पताल में रोगियों के साथ बातचीत की और आईसीयू स्वास्थ्य श्री हेल्थ कार्ड वार्ड, बच्चों के वार्ड और आरओ प्लांट का निरीक्षण किया। करीमनगर टाउन लो 17 कोटि रूपये तो 150 बेड हॉस्पिटल ओपनिंग की सिद्धंगा उंदी। ये नेला 16वा तारीख नाडु आरोग्य शाखा मात्रलु डॉक्टर लक्ष्मारेड्डी गारी चेतुल मीदुगा दीन्नि ओपन चेयबोतुन्नाम। దీనితో పాటుగా గుమ్లాపూర్లో ఒక హాస్పిటల్ ఉంది, చామన్పల్లిలో ఒక హాస్పిటల్ ఉంది, కమలాపూర్లో 30 బెడ్ హాస్పిటల్ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా 16వ తారీఖు నాడు ఓపెన్ చేసుకోబోతున్నాం. ఈ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ హాస్పిటల్ మీద హాస్పిటల్ చైర్మన్ గారు, ఉమగారు, మా కలెక్టర్ గారు, సూపరింటెండెంట్ గారు అనేక రకాల మార్పులు చేసినాం. ఇక్కడ ఐసీయూ యూనిట్ కావచ్చు, పీడియాట్రిక్ యూనిట్ కావచ్చు. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బెడ్షీట్లు ఎవ్రీ ఆల్టర్నేటివ్ డే మంచి బెడ్షీట్లు వేయాలనేటువంటి సంకల్పంలో ఈరోజు బెడ్షీట్లు కూడా సప్లై చేయడం జరిగింది.